सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पाटिल है। अशोक जी आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र जिला नासिक से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर ऐसे है कि रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जैसे परंपरागत जो भक्ति होती थी, जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिरों में जाना, तीर्थों पर जाना, व्रत रखना, जो समाज में जो प्रथाएं चली हुई थी उसके मुताबिक हम भी करते थे। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? ऐसा है कि हमारे गांव में जो हमारे चचेरे भाई, वो मतलब उनका देहांत हो चुका था और मैं उनको यहाँ मतलब गया हुआ था उनके अंतिम संस्कार में, तो वहाँ से नासिक रिटर्न होना था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तो मैं अपने मित्र के यहाँ गया। तो मित्र के यहाँ जाने के बाद वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, तो ये ज्ञानगंगा की किताब पढ़ी थी वहाँ से पे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये ज्ञानगंगा किताब है, आप एक ले लो उसमें से। तो मैंने ले लिया वो किताब, लेकिन उसमें क्या है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने वो किताब ले लिया और बैग में रख के घर चला आया। तो काफ़ी दिन हो गए किताब वो बैग में ही रखा रहा, मैंने किताब को देखा नहीं, लेकिन एक दिन ऐसे कुछ कागज़ ढूंढने के लिए गया तो वो किताब मुझे मिला। तो मैंने देखा कि भाई ये किताब तो काफ़ी दिन से पढ़ा हुआ है, चलो पढ़ के देखते हैं क्या है उसमें, ज्ञानगंगा है। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे वो ज्ञान ही अजीब से लगने लग गया, मतलब उसमें जो बताया हुआ है कि श्राद्ध नहीं करना, पिंड नहीं भरवाना, देवी देवताओं की तीर्थों पर नहीं जाना, मंदिरों में नहीं जाना, तो मैं तो अचंभित हो गया कि ऐसा क्या है, कि ये क्यों बता रहे हैं ऐसे, और मेरी तो समझ से बाहर हो गया। फिर मैंने उसको पढ़ने का इंटरेस्ट लिया, मैं पढ़ते गया तो मुझे लगा कि ये तो गीता, वेद, पुराण, इसमें सब बता रहे हैं। तो फिर और साधु संत क्या बताते हैं, जब ये गुरुजी ये बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं, तो फिर और साधु संत क्या बता रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं थोड़ा, और पहले बात तो मेरे जो ये मैं फौजी होने के नाते मुझे इन चीज़ों से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं खाने पीने वाला आदमी था, है कि नहीं? और बहुत सारे मेरे मित्र भी आए थे मेरे पास कि आप जो है ना संत आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ले लो, ठाकुर सिंह महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। नहीं, जब आपने उस पुस्तक में पढ़ा तो फिर आपने दूसरे संतों के बारे में जानने की कोशिश की कि वो क्या ज्ञान देते हैं? हाँ, तो मैंने यही जानने की कोशिश की थी कि आज तक हमने जितने मतलब कीर्तन भी हम सुनते थे कभी कभी, और कभी कभी जो है ना आस्था वगैरह पे जो सत्संग आते थे, तो वही वो रामायण, महाभारत, ब्रह्मा विष्णु महेश, है कि नहीं, इन्हीं तक का ज्ञान बताते थे, यही जो है ना हमेशा चलता रहता था। तो मैंने उसको थोड़ा अलग देखा कि ये अलग ज्ञान है कि? तो इसके चलते तो मेरे दिमाग में यह आया कि ये जानना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया, मेरा भाई का लड़का ऑलरेडी इस मार्ग में जुड़ चुका था, लेकिन हमें क्लियर नहीं मालूम था कि ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा और किसी संत जुड़ा होगा, और पहली बात तो जो हमारे घर में मेरे ब्रदर और मेरे जो बंटवारे के ऊपर जो पहले से ही जो हमारा मतलब दुश्मनी थी एक हिसाब से, कि हमने झगड़ा तो नहीं किया कभी, लेकिन जो माता पिता के रहते हमारे में से जो लेन देन की बात हो गई थी कम ज़्यादा, तो हम काफ़ी साल से एक दूसरे से बोलते ही नहीं थे, ना एक दूसरे के घर जाते थे, ना एक दूसरे के हाल जानते थे, यह हमारी हालत थी। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनका लड़का किसी संत से जुड़ा हुआ है, तो मैंने अपने भाई से डायरेक्ट बात की कि आपने कौन सा गुरु बनाया है, तो उन्होंने बोला कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उसमें तो ऐसा ऐसा बताया है, हमारी जो परंपरागत जो रीति रिवाज है जो आज तक चलता आ रहा है उसमें काफ़ी बदलाव है, और ये बदलाव समाज कैसे स्वीकार करेगा, हम इस मार्ग में चलते हैं तो समाज वाले हमसे रूठ जाएंगे या हमें बोलेंगे तो आप कहाँ चले गए। तो भाई ने बोला कि जो भी है ये सत्य है और सत्य को तो अपनाना ही पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि सत्य को तो अपनाना ही पड़ेगा, इसको तो हम झुठला नहीं सकते। तो मैंने अपने मिसेस को भी बोला कि चलना है क्या, ऐसा ऐसा है,
तो पहली बात तो मैंने मिसेस को ये नियम बताए तो वो मना कर गई, है कि नहीं। जाना है तो हम चल सकते हैं, लेकिन ये गुरु वगैरह नहीं बनाएंगे, वैसे हम जा सकते हैं, ये नियम हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी क्या क्या नियम थे? वो नियम थे कि दश क्रिया विधि नहीं करना, पिंड नहीं भरवाना, श्राद्ध नहीं निकालना, व्रत नहीं रखना, मंदिरों पे नहीं जाना, तीर्थों पे नहीं जाना, आदि आदि बहुत सारे मतलब ऐसे नियम थे। नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, है कि नहीं, बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू, भ्रष्टाचार नहीं करना, चोरी नहीं करना। क्या आप गए आश्रम में? गए थे, ब्रदर्स के साथ हम आश्रम में गए, लेकिन वहाँ का माहौल देखा हमने। जब आश्रम का माहौल देखा तो हमारे मन में ये नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। हमने तो सोचा कि हम अभी उपदेश लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम उपदेश लेके ही रहेंगे। और सबसे पहले मैं उपदेश के लिए बैठ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उनकी शरण में जाता है वो उनका ही होकर रह जाता है, उनकी ही महिमा गाने लगता है। तो सर, आपका अनुभव क्या रहा जब आप पहली बार सतलोक आश्रम बरवाला में गए? तो सर, आपको कैसा फील हुआ? क्या आपको वहाँ पे कोई प्रसाद के रूप में कुछ खिलाया पिलाया गया था? सर, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? ये सरासर झूठ है, वहाँ कोई खिलाया पिलाया नहीं जाता, कोई दवाई नहीं दी जाती, कोई जड़ी बूटी नहीं दी जाती। वो तो ज्ञान के आधार से आदमी वहाँ पे जाते हैं, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है वो रुक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो ज्ञान ज्ञानी है, वहाँ कोई जड़ी बूटी और कोई दवाई नहीं है, ये सारा झूठ फैलाया गया है। सर, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ज्ञान हुआ, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ प्राप्त हुई आपको? देखिए, ज्ञान होने के बाद एक तो पहली बात तो ये हुआ कि मेरा जो खाना पीना था, मतलब दारू पीता था, मांस भी खाता था, झूठ भी बोला करते थे कभी कभी, क्योंकि ये तो प्रपंच ही ऐसा है। तो ज्ञान होने के बाद ये तो मेरी सारी नशाएं छूट गई इस नशा से। तो और सबसे बड़ा लाभ कि मुझे वो आध्यात्मिक ज्ञान मिला है कि आज 100% गारंटी के साथ मुक्ति का मार्ग है। इस विश्व में परमपिता सद्गुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस ज्ञान को कोई नहीं जानता है, और ना किसी के पास ये ज्ञान है, और ना ही ये मंत्र कोई दे सकता है, ना ये मंत्र किसी के पास है। सर, ज्ञान की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालु ये भी चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है वो भी दूर हो, किसी को कोई बीमारी है तो वो दूर हो। तो सर, आपके साथ क्या अनुभव है? सर, ऐसा है, जब आपको परमात्मा ही मिल गया है तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप हो ही जाती है, कि पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको लाभ ना हो। आपको क्या लाभ मिले? मुझे तो बहुत सारे लाभ हुए, कि एक तो शारीरिक लाभ हुआ, जो मैं कंपनी में काम करता हूँ और मैं ऑयल में काम करता हूँ, ऑयल में काम करने की वजह से मुझे ऑयल की एलर्जी थी, और जो एलर्जी ऐसी थी कि मैं कई बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वो 2-4 दिन 8 दिन की दवाई देते थे, उतना ठीक हो जाता था, फिर वापस वही बीमारी हो जाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको तो कैंसर हो जाएगा अगर आप ज़्यादा दिन ऐसे चलता रहेगा, तो आपको या तो मशीन चेंज कर लो या फिर कंपनी छोड़ दो। तो मैंने परमात्मा से एक ही बात बोला कि आप ही है मेरे सब कुछ रखवाला, कंपनी छोड़ दूंगा संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे परमात्मा तो वही है, हमारे लिए सब कुछ वही है, अभी उसके अलावा हम किसी को मानते भी नहीं है, हमारे लिए वही है सब कुछ। तो उनको अरदास लगाई तो परमात्मा आप सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, अभी नाम मात्र दवाई लेने से मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई, ना मुझे कोई कैंसर है, मैं आज भी मशीन में काम कर रहा हूँ, आज भी मैं खुश हूँ। और कोई लाभ? और तो एक लाभ हुआ है कि मेरी i20 गाड़ी है, वो 7.5 लाख की गाड़ी है, न्यू गाड़ी थी, और कुछ समय पहले 2018 में मैंने एक किसी ग्राहक को किराए पे दी थी। उसने बोला था कि मैं आपको 20,000 रुपये महीना दूंगा और ये आप मेरे को गाड़ी दे दो चलाने के लिए। तो हमने लालच के मारे वो गाड़ी उनको दे दी, चलो 20,000 रुपये महीना आ रहा है। लेकिन वो हमने नोटरी भी कराई थी, किससे, वकील से नोटरी भी कराई थी, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका जो है आधार कार्ड वगैरह सब कुछ था, नंबर वंबर सब कुछ था। एक महीना होने के बाद जब हमने उससे पैसे की मांग की तो उसने जो है ना कुछ मतलब लंबा खींचना शुरू कर दिया कि भाई अभी ऐसा है वैसा है, आगे भेजूंगा, 10 तारीख को भेजूंगा, 20 तारीख को भेजूंगा। तो ऐसे करते करते हम तो फ़ोन करते रहे, इंतज़ार करते रहे, पैसे अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। 2 महीने के लिए एग्रीमेंट किया था,
लेकिन 2 महीने के निकट आने लग गए तो बिना तो पैसा आ रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई साहब ने उसका फ़ोन ही बंद कर दिया, उसका सारा आता पता गायब हो गया। हम फ़ोन लगाते थे ना तो फ़ोन लगता था। तो ऐसा हुआ कि फिर वो हमने पुलिस कंप्लेंट करवाई कि अब ये तो गाड़ी तो मिल नहीं रही है, ये कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो पुलिस कंप्लेंट करवाई तो पुलिस वालों ने ये पूछा कि आपने गाड़ी कैसे दी, तो हमने उसको दिखाया नोटरी पे दी, ऐसे ऐसे दी, ऐसे ऐसे की। तो पुलिस वाले ने उल्टा हमको ब्लेम किया कि भाई आप ऐसे नहीं दे सकते थे, अभी आपने दे दिया, अभी ये गाड़ी मिलना मुश्किल है कि नहीं, तो ये तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आप कंप्लेंट कर दो, देखते हैं। ऐसा हुआ कि काफ़ी समय बीतने पर 10-12-15 दिन बीतने के बाद कंप्लेंट तो हो चुकी थी हमारी, काफ़ी समय बीत गया। फिर हमने परमात्मा से अर्जी लगाई कि परमात्मा अभी हमें तो अगर 7-8 लाख का नुकसान हो जाएगा। आप परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को बोल रहे हैं? हो, परमात्मा से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई हमने कि गुरु जी परमात्मा आप ही हो, अभी हमारी गाड़ी तो गई, अभी कैसे मिलेगी हम नहीं जानते। तो जैसे ही आज अर्जी लगाई, दूसरे दिन उसी व्यक्ति का मैसेज मेरे फ़ोन पे आ गया कि आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास रखी हुई है, आप उसको 50,000 रुपये दे दो और अपनी गाड़ी छुड़वा लो। इसका मतलब उस आदमी ने 50,000 रुपये में वो गाड़ी गिरवी रख दी थी जिसके पास उसके पैसे थे। तो लेकिन वो मेरे को बता नहीं पा रहा था, लेकिन परमात्मा की, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी प्रेरणा हुई कि उसको मैसेज करने पर मजबूर कर दिया, और उसने मैसेज किया और हम गाड़ी का पता लग गया। तो जैसे ही हमें गाड़ी का पता लगा तो हमने पुलिस वाले को बता दिया जहाँ हमने कंप्लेंट की थी कि ऐसे ऐसे फलाना है, ढिमका है, तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो सब इंस्पेक्टर पुणे साहब थे, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर थे वो, उन्होंने तुरंत तो उस आदमी का नंबर लिया, जिस आदमी के पास वो गाड़ी थी उसका नंबर हमारे पास था, हमने उसको दिया, उसको तुरंत फ़ोन किया, अगर शाम को 5 बजे तक गाड़ी यहाँ नहीं होगी, इस गाड़ी के ऊपर केस है, अगर शाम को 5 बजे तक पुलिस स्टेशन को गाड़ी नहीं जमा करी तो हम तेरे को उठवा ले आएंगे। उसी दिन शाम को 5 बजे गाड़ी जो है ना पुलिस स्टेशन पे आ गई, और पुलिस स्टेशन से गाड़ी छुड़वा के हमारा लड़का घर लेके आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने जब नाम दीक्षा ली तब वो सतलोक आश्रम बरवाला में थे, भक्तों का आशीर्वाद देते थे, लेकिन सर आज स्थिति अलग है, संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जो श्रद्धालु आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हुए? सर ये तो जो है ना, ये समझने वाली बात है, जिसको ज्ञान समझ गया और जिसने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को जान लिया, चाहे परमात्मा जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो, है कि नहीं, ये तो हम सोचते हैं या जगत के लोग सोचते हैं कि परमात्मा जेल में, अरे भाई वो तो कण कण में है, वो तो सब में विराजमान है, वो तो आज भी वही लाभ दे रहे हैं लोगों को, आज भी वही लाभ हो रहे हैं। जो नए भक्त जा रहे हैं, जो 17, 18, 19 में जो जुड़ रहे हैं, उनको कौन सा दर्शन दिया हुआ है उन्होंने, उनको भी वही लाभ हो रहे हैं, अभी भी लाभ हो रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? सर भगत समाज को तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जगत के लोगों को भी, जगत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ये 5,500 वर्ष बाद परमात्मा ने खुद बोला हुआ है, कबीर साहेब ने, कि मैं ही आऊँगा 5,500 वर्ष जब कलयुग बीत जाऊंगा और इस ज्ञान को पुनः जो है ना उजागर करूंगा और जन जन तक पहुंचाऊंगा, तो उसमें क्या झूठ है? तो लोगों को ये समझना चाहिए, ग्रंथों को अपने जो ग्रंथ है उनको मानना चाहिए, ग्रंथों में सारी गीता में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, सभी जगह प्रमाण है, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। नमस्कार जी।